हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके। आज 3 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं UPSC, SSC, रेलवे, RRB, नेट, गेट सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड दैट संजीव रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। रंजन, हु इज द करंट एम्बेसडर टू अर्जेंटीना, इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप द असाइनमेंट शॉर्टली। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्जेंटीना के वर्तमान राजदूत रंजन के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। नेक्स्ट, यस बैंक सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग प्रलय मंडल रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। ही विल सर्व हिज नोटिस अंटिल 31 मार्च 2019। प्रलय मंडल ज्वाइंड यस बैंक इन 2012। यस बैंक के वरिष्ठ समूह अध्यक्ष और खुदरा और व्यापार बैंकिंग के प्रमुख प्रलय मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 31 मार्च 2019 तक अपने नोटिस पर कार्य करेंगे। प्रलय मंडल 2012 में यस बैंक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी PK सिन्हा, द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA टू एक्सप्लोर प्रीपेड पेमेंट बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू पावर प्लांट्स। कैबिनेट सचिव PK सिन्हा की सिफारिश पर सरकार ने बिजली संयंत्रों से राज्य बिजली वितरण कंपनियां द्वारा प्रीपेड भुगतान का पता लगाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के तहत एक समिति का गठन किया है। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। इंडियन कैप्टन मिथाली राज हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 वनडे, एडिंग अनदर अचीवमेंट टू हर इलस्ट्रियस करियर। द 36 ईयर ओल्ड इज आल्सो द हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे विद 6,622 runs at an average of 51.33 including 700s. भारत की कप्तान मिताली राज 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है। 36 वर्षीय खिलाड़ी ODI वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी है, जिसमें 66.33 की औसत से 6,622 रन है, जिसमें 7 शतक भी शामिल है। नेक्स्ट, कतर डिफीटेड 4-time चैंपियन जापान 3-1 इन द फाइनल टू विन दियर फर्स्ट एवर एशियन कप। कतर फॉरवर्ड अलमोज अली ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट गोल्स इन ए सिंगल एशियन कप आफ्टर नेटिंग हिज 9th गोल। कतर ने फाइनल में 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 से हराकर अपना पहला एशियाई कप जीता। कतर के फॉरवर्ड अलमोएज अली ने 1-1 एशियाई कप में सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अपने 9वें गोल को ओवरहेड किक के साथ नेट में डालने के बाद उन्होंने अली दाई के 1996 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट, मिडफील्डर की सुंग यंग हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द साउथ कोरिया नेशनल टीम। द मिडफील्डर थ्रू डिसाइडेड टू रिटायर आफ्टर द 2018 फीफा वर्ल्ड कप इन रसिया, येट डिसाइडेड टू कंप्लीट इन द 2019 AFC एशियन कप। मिडफील्डर की सुंग युएंग ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है।
मिडफील्डर ने हालांकि रूस में 2018 फीफा विश्व कप के बाद सेवानिवृत्त होने का फैसला लिया था, फिर भी उन्होंने नए राष्ट्रीय टीम के कोच पाओलो बेंटो के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2019 AFC एशियाई कप में प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। नेक्स्ट, गोल्फर वाणी कपूर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब ऑस्ट्रेलियन लेडीज PGA टूर आफ्टर सिक्योरिंग 12th रैंक टाइड विद 3 अदर्स इन द फर्स्ट एवर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट एट द भारत गोल्फ क्लब इन ऑस्ट्रेलिया। गोल्फर वाणी कपूर ऑस्ट्रेलिया के बेलरेट गोल्फ क्लब में पहली बार क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 3 अन्य के साथ 12वीं रैंक हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई लेडीज PGA टूर को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट, द INS द्रोणाचार्य टीम वोन द रेगेट्टा ट्रॉफी इन द कोची एरिया पुलिंग रेगेट्टा 2019 ऑफ द साउथर्न नावल कमांड SNC हेल्ड इन द एर्नाकुलम चैनल एंटी सबमरीन वेलफेयर ASW स्कूल एंड डाइविंग स्कूल सिक्योर्ड द रनर्स अप पोजीशन। INS द्रोणाचार्य टीम ने एर्नाकुलम चैनल में आयोजित दक्षिणी नौसेना कमान SNC के कोची एरिया पुलिंग रेगेट्टा 2019 में रेगेट्टा ट्रॉफी जीती। एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल एंड डाइविंग स्कूल ने रनर अप का स्थान हासिल किया। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, ऑब्टूरिज निधन। फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ IIMC हिटेन भाया पास्ट अवे इन द दिल्ली। भाया वाज 98 ईयर्स ओल्ड। पूर्व योजना आयोग के सदस्य और IIMC के पूर्व निदेशक हितेन भाया का दिल्ली में निधन हो गया है। भाया 98 वर्ष के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपकी करंट न्यूज भी है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल UV कॉम्पिटिशंस और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और अन अकेडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।